माध्यम से आप चैनल वाली हैं, आप न्यूज वाले हैं, आप किन्नर हैं, आपसे हमारा कोई तकलीफ नहीं, हम तो खुशी हैं। चलो किन्नर हमारा रिपोर्टर बन गया, हमारे तो बहुत लाख लाख बधाई है। पता है आपको मिलवा गए कोई नहीं के बोलिए वो किन्नर थोड़े है, वो नाच में कला अंडा है। उस अपने आपको साबित कर दिया कि मैं किन्नर हूँ। नहीं किन्नर नहीं है, उस सब नचनिया है, ऑर्केस्ट्रा में आप बैंड पार्टी में नचनी हूँ। उसके बारे में क्या कहिएगा मनीषा किन्नर के बारे में? ऐसा कोई बात नहीं है, जाए उसका जगह दिखा जाए, उसका मकान दिखा जाए, कहाँ उस एक लाख का जिसका आमदनी है उसका उतना औकात होना चाहिए ना। एक किराए का रूम लेके एक लाख का आमदनी है तो किराए के रूम पर क्यों रह रही है? वो फेमस होने के लिए, वो अपने आप जैसे फेमस हो, फेमस होने के लिए। मैं आपको बता दूं, किन्नर का शादी, शादी क्यों करेगा, क्या है उसके पास शादी करेगा? वो जो होते हैं गंडुए, जो नकली किन्नर होते हैं, जो लड़के से किन्नर बन जाते हैं, आप बहुत सुने होंगे यूट्यूबर पर कि हमने ये करवाया वो करवाया, इसके चलते मैंने लड़की बन गया, वो अपने सब के लिए किया, वो किन्नर बन गया। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात को खुला, रोज के हम लोग कमी नहीं होता तो हम लोग ऐसे नहीं रहते, हम भीख नहीं मांगते और नेता से भी बढ़ के रहते। सारे आम जनता जानता है कि हम लोग कमी नहीं, क्या होता आज बच्चा होता है मिला कम नहीं हुआ तो हम लोग बैठ के अपने उसी में खाते हैं। देखिए मैं इनके कान, आप जो बोली कि वो लड़का जो अपने मीडिया के सामने बोला है कि 50,000 का तनख्वाह हम कमाते हैं, किन्नर बोली 1,00,000 का कमाते हैं, किन्नर जो वो किन्नर नहीं है, मतलब बात सुनो, और जो बोली मनीषा की मैं 1,00,000 का मेरा रोज का कमी नहीं है, हमें कहने का मतलब 1,00,000 का मान लिया उसका 1,00,000 का कमी नहीं है, महीना का 30,00,000 सो हाँ वही तो बता रही हूँ, उसका 1,00,000 का रोज का कमी नहीं है तो किराया का रूम पर वो क्यों है? आप उसे जाके पहले इससे पूछना। वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगी मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। एक लाख का तनख्वाह होता तो ये रिपोर्ट ही नहीं करती, किन्नरों में जाके बधाई करती, 1,00,000 का रोज की कमी नहीं होता तो। और एक बात मैं बोल रही हूँ, बिहार में जो पार्टी में नाच रहे के लिए, दूसरी बात हम यूट्यूबर और जितना मीडिया वाले हैं उनसे भी कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ नाच बाजा चलता है, जहाँ जहाँ नचनिया बाजा हर जगह पहुँच जाते हैं फेमस करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, हर आदमी को किन्नर में गिनती आता है, मगर हर आदमी किन्नर नहीं होता है। आप भी एक किन्नर हो, तुझे पता, आपको भी पता होगा कि कौन किन्नर है कौन फर्जी है। अच्छा यूट्यूबर से भी यही कहना है कि हर आदमी के किन्नर के रूप देके वीडियो ना डालो, किन्नरों को बदनाम ना करो, ना तो किन्नरों को बदनाम करोगे किन्नरों आत हो जाएगा, तो जो फर्जी वीडियो डालेगा यूट्यूबर हम लोग उनको भी कार्रवाई करेंगे हम लोग। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपकी शुभ चिंतक सानिया किन्नर, आज मैं उपस्थित हूँ मीरगंज हथुआ। मैं आपको बता दूँ ऐसा एक नाम धरने जा रहा हूँ जो आप लोग हर किताब और बुक और पेपर और न्यूज टीवी में गोपालगंज जिला पूरे बिहार में इनका नाम है, जिनका नाम है मुन्ना किन्नर। मैं आपको बता दूँ उर्फ राम सुदर्शन प्रसाद जिनके नाम से लोग जानते हैं, और ये लगकर 2 बार जिला परिषद में रह चुका भी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ जो किन्नर समाज के लोगों को बदनाम करने वाला, आपको सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है ट्रेंडिंग में, जिस किन्नर का नाम है मनीषा किन्नर जो मोहम्मदपुर में रहती है, उनके बारे में कुछ बात विचार करेंगे। जब वो बोली थी कि हम एक दिन में 1,00,000 रुपया कमाते हैं तो क्या बाकी में सही है कि गलत है, इसके प्रूफ करने वाले उनके जो ऊपर के हेड है, जो जिनके नाम से आप जानते हैं मुन्ना किन्नर, उनसे बात विचार करेंगे और क्या सही है क्या गलत है। इस सानिया किन्नर के चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो आपको चैनल को कोटि कोटि नमस्कार, आप पूरा देशवासियों को कोटि कोटि नमस्कार। अच्छा जो बात बोली थी मनीषा किन्नर की, हम बधाई करने वाला किन्नर है और एक दिन में 1,00,000 रुपया कमाते हैं तो 30 दिन में 30,00,000 रुपया का आमदनी हो गया, क्या सही में वाकई में इतना किन्नर समाज के लोग कमाते हैं? इतना अगल बगल नाच रहे हो लोग, आप लोग नाचिए गाइए कुछ भी करिए, ठीक ना किन्नर? हाँ हाँ, आप लोग कमाइए खाइए, आप लोग परदेश से आए हैं ठीक ना, इज्जत से
क्योंकि हम लोग बदनाम हो रहे हैं बाबू, ये अच्छा बात नहीं है। हम लोग तो बदनाम बदनाम, हम लोग का मालक बदनाम हो रहे, ये गलत बात है, ठीक है ना। ये सब ना करो बाबू, तुम नाचो गाओ जोबन जुलू से बरकात। एक बिना होने का किन्नर का कौन रखता है? किन्नर से क्या होता है? किन्नर से कुछ होता है? कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है। हम लोग समाज में बैठते तभी लोग शिकायत करता है, हम लोग तो माँ बाप भी घिनाता है हम लोग से। तो हिंजरों से कोई शादी करेगा और सब नचनिया बजनिया नाच के लौंडे हैं, वो लोग अपना फेमस होने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मैं आपको सबसे खूबसूरत किन्नर से बात करा रही हूँ जो गोपालगंज जिला में रहने वाली है। क्या नाम पड़ेगा आपका? काजल मंगलमुखी मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं सिवान के रहने वाली हूँ, सैदपुरा शहर मेरा, उस इलाका का मैं मालकिन हूँ। एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, जो लड़का जहाँ तक ले नैना किन्नर जी बोली हैं, जो लड़का किन्नर लोग देख के पटाता है, उससे वादा करता है कि शादी करेंगे, उसको खुश रखेंगे, हर कदम साथ देंगे, जहाँ तक आगे चल के वो लोग छोड़ देता है लोग, तो किस फायदा ही होता है? तो जहाँ तक लेके हम लोग का जो किन्नर समाज आप लोग हैं, तो आप ही लोग को बदनामी झेलना पड़ता है, आप ही लोग का नाम खराब होता है, इस पर आप क्या बोलिए? सबसे पहले बात आप जो बोली कि वो लड़का जो अपने मीडिया के सामने बोला है कि 50,000 का तनख्वाह हम कमाते हैं, किन्नर बोली 1,00,000 का कमाते हैं, किन्नर जो वो किन्नर नहीं है, मतलब बात सुनो, और जो बोली मनीषा कि मैं 1,00,000 का मेरा रोज का कमीनी है, हमें कहने का मतलब 1,00,000 का मान लिया उसका 1,00,000 का कमीनी है, महीना का 30,00,000, हाँ वही तो बता रही हूँ, उसका 1,00,000 का रोज का कमीनी है, तो किराया का रूम पर वो क्यों है? आप उसे जाके पहले इससे पूछना। आज जो लड़का 50,000 का सैलरी कमाता है, उसका भी घर जाना, उसका भी औकात दिखना, ठीक है। दूसरी बात, शादी विवाह हम लोग गद्दी वाले किन्नर बहुत, हर शहर में गद्दी वाले किन्नर होते हैं, तो कहीं मीडिया में नहीं सुने होंगे कोई गद्दी वाला किन्नर का शादी क्यों करेगा? क्या है उसके पास शादी करेगा? वो जो होते हैं गंडुए, जो नकली किन्नर होते हैं, जो लड़के से किन्नर बन जाते हैं, आप बहुत सुने होंगे यूट्यूबर पर कि हमने ये करवाया वो करवाया, इसके चलते मैंने लड़की बन गया, वो अपने सब के लिए किया, वो किन्नर बन गया। देखिए मैं आपको बता दूं, एक बात को खुलासा हो जा रहा है, जो आप सुनते हो कि मीडिया के सामने बहुत सारे किन्नर समाज के लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैं 2,00,000 में एक ही हूँ, 3,00,000 में एक ही हूँ। इसी तरह से एक मेटा गया था कुशीनगर से, जो वहाँ के किन्नर थी, जो बोल रही थी कि 2,00,000 में और 3,00,000 में ऊपर से नीचे तक पूरा चेंज करा के मैं लड़का से लड़की बन गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो ओरिजिनल किन्नर है उनके बारे में आप सुनिए क्या बोल गए। हमारे साथ इतना किन्नर जो बैठे हुए है, आपको तो मीडिया वाला हो चाहे आम जानता हो, तो देखिए को पहचान में आ जाएगा कौन असली है कौन नकली है। दूसरी बात, हम यूट्यूबर और जितना मीडिया वाले हैं उनसे भी कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ नाच बाजा चलता है, जहाँ जहाँ नचनिया बाजा हर जगह पहुँच जाते हैं फेमस करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, हर आदमी को किन्नर में गिनती आता है, मगर हर आदमी किन्नर नहीं होता है। आप भी एक किन्नर हो, तुझे पता, आपको भी पता होगा कि कौन किन्नर है कौन फर्जी है। अच्छा, यूट्यूबर से भी यही कहना है कि हर आदमी के किन्नर के रूप देके वीडियो ना डालो, किन्नरों को बदनाम ना करो, ना तो किन्नरों को बदनाम करोगे किन्नरों अत हो जाएगा। तो जो फर्जी वीडियो डालेगा यूट्यूबर, हम लोग उनको भी कार्रवाई करेंगे, हम लोग उनको लिए भी आवाज़ उठाएंगे, हम लोग का बदनाम ना करो, हम लोग को जीने दो। अगर 1,00,000 का शरीर रोज के हम लोग कमी नहीं होता, तो हम लोग ऐसे नहीं रहते, हम भीख नहीं मांगते और नेता से भी बढ़ के रहते। सारे आम जनता जानता है कि हम लोग कमी नहीं, क्या होता आज बच्चा होता मिला कम नहीं हुआ, तो हम लोग बैठ के अपने उसी में खाते हैं। देखिए मैं इनका नाम है कि जो कमाते हैं वही खाते हैं। आज हम 1,00,000 रुपया कमाते हैं, एक दिन का 1,00,000 कमाते हैं, तो 30 दिन का 30,00,000 हो जाता, तो हम लोग नेता जैसा कुर्सी पे बैठ के खाते, यहाँ तक हमको बधाई करने नहीं जाते। बोलिए, दिखा जाए उसका जगह, दिखा जाए उसका मकान, दिखा जाए कहाँ उस 1,00,000 का जिसका आमदनी है उसका उतना औकात होना चाहिए ना। एक किराए का रूम लेके 1,00,000 का आमदनी है, तो किराए के रूम पर क्यों रह रही है? वो फेमस होने के लिए, वो अपने आप जैसे फेमस होने के लिए। मैं आपको बता दूं, अभी जो आप झुंड देख रहे हैं ना, इधर घुमाइए, अभी जो आप झुंड देख रहे हैं, पूरा गोपालगंज जिला और सिवान जिला के किन्नर समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या मनीषा किन्नर के ऊपर जो आवाज उठाया गया था कि मैं मनीषा किन्नर एक दिन में 1,00,000 रुपया कमाती हूँ, इसको वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर इतना चर्चा हो रहा है कि जब किन्नर समाज के लोग एक दिन में 1,00,000 रुपया कमाते हैं, थोड़ा इधर कैमरा घुमाइए, एक दिन में 1,00,000 रुपया कमाते हैं, तो जहाँ तक ले बात सही है कि गलत, आप बताइए, आपको मिलवा गए कोई नहीं के? बोलिए, वो किन्नर थोड़े है, वो नाच में कलवंडा है।
उसने अपने आप को साबित कर दिया कि मैं किन्नर हूँ। नहीं किन्नर नहीं है, उसने अपना चानिया है, ऑर्केस्ट्रा में बैंड पार्टी में नाचने वाली। उसके बारे में क्या कहिएगा मनीषा किन्नर के बारे में? ऐसा कोई बात नहीं है, बचपन से इन्हीं लोगों के पास रहते, कमाते खाते जिंदगी जीते, ये कभी नहीं सोचे जहाँ शादी करे। आजकल हर जगह देख रही है दहेज की वजह से लड़की को जला दिए, हर जगह देख रही है दहेज के लिए लड़की को भगा दिया गए। हम तो एगो किन्नर है, हम तो एगो ट्रांसजेंडर है, दुनिया से लेके हर जगह से लेके हम छाटा हुआ है, हर जगह से लेके हम हटा हुआ है। यही बात हम कहना चाहते हैं, जो भी कुछ कर रही है, जो भी कुछ सुन रही है, ये गलत बात है, ये सच्चा झूठ बात है। और एक बात ये ट्रांसजेंडर के विषय में, और एक ट्रांसजेंडर के विषय में और एक बात कहते हैं जी, लोग कहते हैं कि शादी करती करते, आज हम शादी करते तो हम खुलिया माँ बाप को रिक्वेस्ट कर रहे, जो भी जिसका भी मर्जी हो मेरा पसंद करे वो अपना माँ बाप के साथ डोली लेके आ जाए। कोई नहीं चाहते जे किन्नर के साथ शादी करे मेरा बच्चा, कोई नहीं चाहते जे मेरा शादी करके मेरा बेटा किन्नर को घरे लेके आई, ऐसा कोई बात नहीं है और ऐसा कोई सच्चा बात नहीं। कोई खुलासा हुआ है, जो भी लड़का शादी करना चाहता है अपने माँ बाप से राजी खुशी होकर, एक किन्नर जो बोल रही है, आपका नाम क्या है? पायल किन्नर। पायल किन्नर जो भाईकुया का काजल किन्नर का चेला है, डुमरिया घाट का, जो बोल रहे हैं कि जो भी लड़का हमसे शादी करना चाहता है डोली लेकर बगाती लेकर आएगा तो अपने माँ बाप के साथ तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। चलिए एक और बात, आप एक ऐसा किन्नर सबको मिलवाने जा रहे हैं, कहाँ तक सच है? ए शादी करने के, अच्छा अच्छा लड़कियों को लड़का छोड़ दे रहा है सब, एक बच्चे ना होने का किन्नर का कौन रखता है? किन्नर से क्या होता है? किन्नर से कुछ होता है? कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है। हम लोग समाज में बैठे तभी लोग शिकायत करता है, हम लोग तो माँ बाप भी घिनाता है हम लोग से, तो हिंजरों से कोई शादी करेगा और सब नचनिया बजनिया नाच के लौंडे हैं, बोलो अपना फेमस होने के लिए तो कुछ भी कह सकता है। ठीक नो सनिया की ना, आपको चैनल को कोटि कोटि नमस्कार। देखिए इनके लास्ट में कहने का मतलब ये है कि जब कोई अपना, हम लोग अपना माँ बाप को छोड़ देते हैं, हम लोग का माँ बाप कि नहीं समाज के माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या जो लड़का है एक्सेप्ट करेगा? यही ना बात सही है कि गलत है? सही बात है, सही बात। आप कुछ कहिएगा? नहीं, रखिए बेटा, चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे रहो। एक बात बोलिए, एक बात मैं बोल रही हूँ, नहीं रुका, एक बात बोल दे, एक बात मैं बोल रही हूँ कि जितना माध्यम सब चैनल वाली हैं, आप न्यूज वाले हैं, आप किन्नर हैं, आपसे हमारा कोई तकलीफ नहीं, हम तो खुशी है। चलो किन्नर हमारा रिपोर्टर बन गया, हमारा तो बहुत लाख लाख बधाई है। इतना अगल बगल नाच रहे हो लोग, आप लोग नाचिए गाइए कुछ भी करिए, ठीक ना? किन्नर, हाँ आप लोग कमाइए खाइए, आप लोग प्रदेश से आए हैं, ठीक ना, इज्जत से, क्योंकि हम लोग बदनाम हो रहे हैं बाबू, ये अच्छा बात नहीं है। हम लोग तो बदनाम बदनाम, हम लोग का मालक बदनाम हो रहे, ये गलत बात है, ठीक है ना? ये सब ना करो बाबू, तुम लोग नाचो गाओ जो बन जुलू से बड़का। एक बात खास करके सुन लीजिए, जितने भी बिहार के रिपोर्टर है, आप लोग से एक नम्र निवेदन विनती है कि हमारे गोपालगंज जिला में चाहे नाच नौटंकी वाला, रुकिए ना, हमारे गोपालगंज जिला और सिवान जिला खास करके दो जिला में जो भी रिपोर्टर भाई या बहन या जो भी माताएं रिपोर्टिंग करती हैं, तो खास करके किन्नर समाज के लोग नंगा ना करे और मीडिया के सामने ना ला के पूछे कि आप लोग सेक्स कैसे करती है, बच्चा कैसे पैदा करती है, ये सब के आप अभी वीडियो में देखे हैं ना कि हम लोग का जब माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या बॉयफ्रेंड और लवर एक्सेप्ट करेगा? ये बात सही है गलत? हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ जो भी यूट्यूबर जो भी मीडिया चैनल वाले हैं कि किन्नरों को बदनाम ना करे, किन्नरों को ना सताए जाए, किन्नरों को पहले से कम के मारे हुए हैं, अच्छा हमें जीने दे। वो जो अफवाह फैलाते हैं, ट्रेन मांगने वाले, टूल टेस्ट मांगने वाले, नाच करने वाले, वो सब गंडे मौगे होते हैं। किन्नरों जैसे अपने घर में रहते हैं, जो बच्चा होता है बधाई जाते हैं, मिलता है तो आके खाते, नहीं मिलता तो उसी में पड़े रहते हैं। किन्नरों को बदनाम ना करे, ना तो आप जो भी यूट्यूबर चैनल वाले हर नाच जेरा पर जाके अगर फालतू अच्छा गलत किन्नरों के विषय में वीडियो डालेगा कोई नाचनिया से किन्नर साबित करके,
किन्नर ये होते होते अफवाह फैलाएगा तो हम वो यूट्यूबर पर वो चैनल वाले को हम लोग केस करेंगे, आवाज उठाएंगे, फिर उसका चैनल बंद करवाएंगे, उसे जेल में करवाएंगे। किन्नरों को बदनाम ना करो, किन्नरों सिर्फ दुआ प्यार देने के लिए होते हैं। आए भीख मांगने वाले किन्नर होते हैं, किन्नर 1 लाख काम देने किसी को नहीं होता। देखिए इधर आइए, देखिए मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ। जो भी वीडियो में आप देखे हैं, जो भी बात पीछा हुआ, आज मैं आप एक बात को खुलासा कर देते हैं। जो जिस वीडियो पर सवाल उठा था सोशल मीडिया पर मनीषा किन्नर, पॉइंट नोट कीजिए, जिस सवाल पर उठा था कि मनीषा किन्नर बोली थी कि हम 1 दिन में 1 लाख रुपए कमाते हैं, सारा सही गलत बात है। अभी मैं आपको दिखा दूं, चारों बगल से किन्नर समाज के झुंड यहाँ पे बैठा है, और जो हमारे गोपालगंज जिला के मुन्ना किन्नर की बात आप सुने कि वो एक डांस करने वाली है, नचनिया बजनिया है, वो किन्नर नहीं है, वो थोड़ा दिमाग ठीक नहीं है, इस तरह से बोल दी। आप वीडियो को आगे मत बगाइए, वहीं तक रोक दीजिए। और खास करके जो भी रिपोर्टर भाई हैं, आप ये सवाल करते हैं कि क्या सानिया जी आप रिपोर्टिंग करने क्यों नहीं गई मनीषा किन्नर के पास, तो मैं उनके पास रिपोर्टिंग करने कल जाऊंगी। और आप वीडियो में देखिएगा कि ऑलरेडी वो माफी मांगेगी और बोलेगी कि हमसे गलती हो गया, हम ऐसा बोल दिए हैं। इस बात पर वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगी मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। किन्नरों में जाके बधाई करती, 1 लाख करोड़ की कमी नहीं होता तो। और एक बात मैं बोल रही हूँ, बिहार में जो पार्टी में नाच रही हैं लोग, मेरा मालक को मीरगंज जिला परिषद जो मुन्ना किन्नर को उल्टा सीधा बोली थी, जो इसके पहले हमने पकड़ के बरौली में हमने पकड़ के उसको हमने गोर पे गिराए, ठीक है, हम वही नैना है, ठीक ना। अब फिर मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बाबू मान जाओ, आप लोग मान जाओ, आज के निवेदन हम लोग का बदनाम ना करो, अच्छा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का भी इज्जत है, आप लोग का भी इज्जत है, लेकिन आप लोग इज्जत क्यों खराब कर रहे हैं, आप लोग खराब कर रहे हैं, फिर हम लोग का सब खराब कर रहे हैं, ये गलत बात। आज के बाद से आप लोग कुछ मत कर, आप लोग नाचे गाए कुछ भी कर, हम लोग कोई मतलब नहीं भाई। आप भी एक चैनल वाली है, आप किन्नर हैं, खास करके इसीलिए तो मैं आई आप लोग से बात विचार करने के लिए। आप चैनल के एक बात को आपको मैं खुलासा कर रही हूँ, सच जो आपको बताइए, जो माइक लोग उठाता है इसमें बोलता है हम सच दिखाएंगे, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, किसी का दुख दर्द दिखाना, किसी को नंगा करना नहीं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो हमारे किन्नर समाज के लोग को नंगा कर देते हैं कि आप लोग सेक्स कैसे करते हो, बच्चा कैसे करते हो, शादी क्यों करते हो, तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं कि देख लीजिए किन्नर समाज का जिंदगी। यहां पे आपको किसी का बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा, यहां पर किसी का पति नहीं मिलेगा, यहां पर किसी का लवर नहीं मिलेगा, ये सब एक दूसरे का पति, एक दूसरे का बॉयफ्रेंड, ये लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, बनाते हैं, खाते हैं और जिंदगी काट लेते हैं, यही किन्नर का असली जिंदगी है। हमारे में जाति नहीं है, मरद में मेहरारू में जाति है, फल्ला फल्ला बाबू, फल्ला सिंह, फल्ला खाओ, फल्ला अंसारी, फल्ला किन्नर का कोई जाति नहीं होता है। हमारे किन्नर में इतना किन्नर है कि इसके किसके घर के है, सब कोई अपने अपने माँ बाप छोड़ कर आता है। हमारा में जाति नहीं है, हम लोग को एकता है, हम लोग एक रहते हैं, एक थाली में खाते हैं, एक थाली में हमारे लिए जाति नहीं है। एक बात आपको बता दे, जिस बात के लिए आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि क्या मुन्ना किन्नर से आपसे बात विचार होती है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दूं कि गोपालगंज सिवान जिला के नाम से, जो बिहार के नाम से जाने जाते हैं मुन्ना किन्नर, आज इनको बात से आप सहमत हो गए हैं कि किन्नर समाज केवल बधाई करते हैं, 10 रुपया मांगते हैं और खुशी से खाते हैं और दो आशीर्वाद देते हैं। बाकायदा जो मनीषा किन्नर इस वीडियो में फेमस होने के लिए अफवाह फैलाई है वो सारा सही गलत है। सानिया किन्नर की रिपोर्ट हथ से मीरगंज मुन्ना किन्नर के साथ। जय हिंद, जय भारत।